हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हितेन और आज है सैटरडे। आज का डे भी वो स्पेशल है। आज का डेट है एक्चुअली 10/10/2020 और हम लोग ने आज प्लान किया। एक्चुअली ऑल ऑफ सडन प्लान था टू गो टू मार्शेस। मार्शेस घाट पे जाएंगे, वहाँ पे एक रिसोर्ट पे बुकिंग किया एंड डोंट वरी, वहाँ पे रिसोर्ट बहुत हाइजीनिक है। मैं आपको टूर दे दूंगा उसके बारे में। एंड वहाँ पे हम लोग ऑफिस फ्रेंड्स जा रहे हैं फिलहाल। तो अभी लोग ऐरोली से तो निकले हैं, मैं रेडी होके बैठा हूँ यहाँ पे। मैं कल्याण से, वो लोग मेरे को पिक करेंगे और हम लोग जाएंगे मुरबाड़ रोड से। फिलहाल तो अभी टाइम हो गया है 11:24, वो लोग यहाँ पे 11:45 तक मैक्सली आ जाएंगे। तो देखते हैं, अभी उनका वेट करते हैं, थोड़ा सामान भी पिक करना है, फिर वो लेके सब हम लोग वहाँ पे मिलते हैं आपको। फाइनली हम लोग आ गए। अभी हम लोग यहाँ अभी कार में जा रहे हैं अभी डायरेक्टली मार्शेस। अभी फिलहाल ही हम लोग काटे मानोली के ब्रिज पे और ये सब हमारे फ्रेंड्स लोग हैं, योगिता, मोनिका, रूपेश और ये विनोद। हाय। सो अभी बाकी का ट्रिप आप देख लेना। ये है हितेन का बैग। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अभी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि ये जगह कितनी ज़्यादा प्यारी है। आप जैसे एक बार व्यू देख लीजिए। आपको मैं दिखाता हूँ, ये स्विमिंग पूल है, कितनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, देखो जस्ट। सो हम लोग अभी जल्दी से रेडी होते, हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। डाइनिंग हॉल नीचे है तो हम लोग जल्दी से रेडी होके खाना खा लेते हैं। पहले आपको मैं आपको खाना भी दिखाता हूँ कि क्या क्या वेराइटीज है। भिंडी की सब्जी, चिकन, दाल, पापड़। वेलकम बैक एवरीवन। अभी बज रहे हैं 6 शाम के और क्लाइमेट दोपहर को तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अराउंड 36 डिग्री सेल्सियस, और अभी क्लाइमेट सीधा ड्रॉप हो गया 28 डिग्री सेल्सियस पे। अभी आप देख सकते हैं पीछे व्यू, देखो जस्ट, फुल ऑन क्लाउडी हो गया अभी और शायद से बारिश भी गिरेगी रात तक। और आप व्यू देखो, और मैं हो सके तो टाइम लैप्स ले लूँगा, आप सिर्फ टाइम लैप्स का मजा लेंगे। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, राइट नाउ इट्स 11:30। फिलहाल तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इसमें और हम लोग अभी थोड़ी देर में जाएंगे फ़ोटो शूट के लिए। आप देख सकते हैं कि क्या, बिल्कुल भी हवा नहीं है, बट क्लाइमेट एंड प्लेस एकदम पीसफुल है, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। सो हम लोग अभी जा रहे हैं एक रिवर के यहाँ पे, जहाँ से हम, जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे एक रिवर के लिए रास्ता है।
तो वहाँ पे चल के जाना पड़ता और पीछे एज यूजुअल मेरे फ्रेंड्स लोग मस्ती कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे आ गए, आप व्यू देख सकते हो इतना प्यारा है यहाँ पे। बैक टू होटल, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। जैसे कि आप एक एक की शक्लें देख सकती है। बाय। ये बंदा हमेशा एक्टिव रहता। घाट पे देखते हैं, अगर थोड़ी देर रुकने मिला तो वहाँ पे रुकेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली घर पे जाएंगे। और बाकी का डिटेल्स आपको चलते चलते मैं बता ही दूंगा। और हमें बहुत मज़ा आया। मज़ा तो बहुत ज़्यादा आया, बट हाँ मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि वहाँ पे क्या हुआ था और रिसोर्ट में क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े हमको, वो आपको चलते चलते बता दूंगा। गाइस तो फाइनली हम लोग अभी मालशेज घाट पहुंच गए। यहाँ का क्लाइमेट तो एक नंबर है, अभी फिलहाल पूरा फॉगी फॉगी हो रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पूरा फॉग है। सो हम लोग अभी जाते हैं वहाँ पे, आपको वहाँ का यार नज़ारा दिखा। हेडिंग टू अ होम डायरेक्टली, बट प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो फिर प्रॉपर्टी वॉज वेरी नाइस। खाना तो ऑसम था, खाने के बारे में रूपेश आपको बताएगा, एक्चुअली उसका अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। सर रूपेश भाई खाना खाओ तो चिकन तो मैं ऐसे दबा के खाया हूँ ना, एकदम बढ़िया क्वालिटी का चिकन मैंने खाया है यहाँ पे, इट वॉज ऑसम। लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू था वहाँ पे, क्योंकि लाइट बार बार आ जा रही थी और हम लोग जनरेटर पे थे और मोनिका को वैसे वर्क फ्रॉम होम का था तो इसके लिए उसको लैपटॉप चार्जिंग के लिए बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। और हाँ मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप आते वक्त एक रिलायंस जियो का सिम कार्ड लेके आए, बिकॉज यहाँ पे बहुत नेटवर्क इशू है एंड यू विल ओनली गेट योर नेटवर्क फॉर रिलायंस जियो। या दैट्स ट्रू। पर हेड हम लोग को कॉस्ट लगा तो वो 2300 लगा, 2300 इंक्लूडिंग नेक्स्ट डे का लंच भी था उसमें, हम लोग ने ऐड किया था 2000 पर हेड लेते हैं वो लोग, 2000 पर हेड
फ्रॉम लंच टू ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, और अगर 300 या फिर 500 आप ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट डे का लंच भी मिलता है। सो एज़ पर द अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहता है वो सब। बाकी का डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा उनका। हम लोग ने काफ़ी अच्छा शूट भी किया, फ़ोटो शूट किया योगिता का। सो उसके पेज को ज़रूर फॉलो करना इंस्टाग्राम पे, कर्व्स इन माय वार्डरोब। यस, और हमारे साथ टूर्स एंड एंटरटेनमेंट वाले पे ओनर है होप ये आपको वीडियो अच्छा लगे। प्लीज जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। नाउ मिलते हैं अगले ट्रिप में। और बाय द वे एक बात बोलना रह गया, अगली ट्रिप बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत ज्यादा फन होगा उसमें। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। थैंक यू फॉर द ट्रिप।